लगा। हो सकता है वो कुआं काफी पुराना लग रहा है मुझे देखने में, ये यहाँ पे काफी पुराना है। ये क्या बेटा, क्या बेटा है? जी ये राजा रानी की कब्र है। अभी मैं आपको एक चीज बता दूं, यहाँ पे उर्दू में और अरबी में कुछ लिखा हुआ है जो कि यहाँ के स्थानीय जो लोग हैं, जो बच्चे हैं, बड़े हैं, वो नहीं बता पा रहे हैं। और एक काफी पुराना गेट यहाँ पे देखने को मिला है, देखिए मुझे देखने में लग रहा है कि काफी पुराना हो सकता है। हो सकता है यहाँ का हो, इस गेट का, इस जगह का भी हो सकता है। और इसमें मुझे एक सुरंग भी देखने को मिल रही है, शायद आपको, आप कभी यहाँ पे अगर आए हो तो आपने भी सुरंग देखी हो या नहीं देखी हो। बाकी यहाँ पे अंधेरा है, देखिए बिल्कुल आपको, यह काफी पुराना ऐतिहासिक स्थल है और काफी पुरानी जगह है पानीपत के अंदर। पानीपत में युद्ध हुआ था, लड़ाइयाँ हुई थी, तो लड़ाई और युद्ध के बाद ये एक जगह बची है। यहाँ पर भी कुछ उर्दू में लिखा हुआ है, देखिए ये देखिए। और ये यहाँ का मेन एंट्रेंस गेट है, हालांकि गेट अभी बंद है और ये गेट बंद होने की वजह से अभी लोग यहाँ पे एंट्री नहीं कर पाते हैं। और ये देखिए यहाँ पर काफ़ी ऊँचा इस गेट पर भी आपको ये देखने को मिलेगा इस तरह का स्ट्रक्चर। इस मस्जिद का निर्माण सुल्तान बाबर द्वारा 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोदी पर विजय पाने के उपलक्ष्य में किया गया था। लगभग 10 से 15 फीट के आसपास है चौड़ाई। और अंदर आने के बाद, हालांकि इसके कभी गेट वगैरह बंद किए हुए हैं आज की तारीख में, अभी देखिए अंदर से काबुली बाग मस्जिद जो है, जो कि बाबर के समय की है, ये आपको काफी ऊंचाई पे देखने को मिल रही होगी। देखिए नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है एक नई वीडियो में। और आज हम जिस जगह हैं वो जगह है पानीपत की काबुली मस्जिद। कुछ लोग इसको बाबरी मस्जिद भी कहते हैं और कुछ लोग इसको रानी का महल भी बोलते हैं। मेरे पीछे मेन गेट है यहाँ पर और इस पे कुछ उर्दू में लिखा हुआ है, हालांकि मुझे उर्दू नहीं आती है इसलिए मुझे उर्दू में पढ़ने में दिक्कत होती है, लेकिन मैं आपको जरूर दिखाऊंगा। आइए एक बार मैं आपको चेक करा देता हूँ। अल्लाह लिखा, ये देखें यहाँ पर सबसे ऊपर कुछ लिखा हुआ है और सबसे ऊपर आपको कुछ लाइनें देखने को मिलेंगी, कुछ लाइनें देखो ऊपर लिख रही है। ये इस मस्जिद का मेन गेट है, इसका नाम है काबुली मस्जिद। और इसके बारे में दो चार शब्द यहाँ पे भी लिखे हुए हैं, ये यहाँ पे इंग्लिश में लिखा हुआ है और ये यहाँ पर हिंदी में लिखा हुआ है। एक बार मैं आपको बता भी देता हूँ क्या लिखा हुआ है। इस मस्जिद का निर्माण सुल्तान बाबर द्वारा 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोदी पर विजय पाने के उपलक्ष्य में किया गया था। आहते के अंदर इस मस्जिद के कोने में अष्टभुजाकार है तथा अंदर प्रवेश में लाल बालूकश व ईंटों से मुस्य द्वार के सामने मेहराब बना हुआ है, जिसकी गुलकंदों में पुष्पाकृति की गोलाकृतियां हैं। मुख्य प्रार्थना हाल वगोकार है, जिसकी पार्श्व में उपभवन है। प्रत्येक उपभवन में 9 दीप तथा 9 आले हैं, जिस पर अर्धचंद्राकार गुंबद मौजूद है। केंद्रीय प्रार्थना कक्ष के मेहराब के दोनों ओर कोठरियां हैं, जिन पर पवित्र कुरान की आयतें उत्कृष्ट है। सलीक शाह को पराजित करने के बाद हुमायूं ने एक मंच बनवाया, जिसके चबूतरा ए फतेह मुबारक कहा जाता है। इस पर हिजरी 934 और आपका 1537 ईस्वी का अभिलेख भी है, ये इस पे यहाँ पे लिखा हुआ है। और इसकी जो आकृति है, बराबर में से आप देख रहे हैं कुछ गुंबद आपको ऊपर दिखाई दे रहे होंगे, जो कि जैसे मस्जिद के होते हैं उस टाइप के हैं। और ये आपको यहाँ पर ये मस्जिद देखने को मिलेगी। तो देरी ना करते हुए एक बार हम इस मस्जिद को एक बार आपको अंदर से दिखा देते हैं और इस ऐतिहासिक और प्राचीन जगह को देखते हैं कि अंदर से कैसी है। ये इसका मेन गेट है, यहाँ से एंट्री होती है, लेकिन फिलहाल गेट बंद है, हम किसी दूसरे रास्ते से इसके अंदर जाएंगे और आपको दिखाएंगे। तो खैर चलिए चलते हैं अंदर और आपको दिखाते हैं आज काबुली मस्जिद पानीपत में जो स्थित है ये जगह। आइए चलते हैं। अब इसके इतिहास में आपको गूगल से ट्रांसलेट करके बता देता हूँ क्या है। ये काबुली मस्जिद जो है पानीपत के एक शहर में, पानीपत में एक जगह है जिसका नाम है यहाँ पे काबुली मस्जिद, एक जगह है यहाँ पे। तो उसके बारे में क्या है कि सन 1527 में पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी, जो कि सुल्तान इब्राहिम लोधी पर अपनी जीत को चिन्हित करने के लिए सम्राट बाबर द्वारा 1527 में बनाया गया था। ये इसका इतिहास है यहाँ का। और इस मस्जिद का नाम बाबर की, जो बाबर की पत्नी थी उनका नाम था काबुली बेगम, तो उन काबुली बेगम के नाम पर इस मस्जिद का नाम रखा गया था, काबुली बाग मस्जिद। तो यह है इसकी स्टोरी। और यहाँ पर अभी हम जो स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं वो काफी पुराना है। और ये जो फिलहाल पीछे स्ट्रक्चर है आपको काफी बच्चे ऊपर दिखाई दे रहे होंगे, एक बार मैं आपको दिखाता हूँ। जो आपको ये बच्चे ऊपर बैठे दिखाई दे रहे हैं, ये पता नहीं कहाँ से चढ़े हैं, लेकिन ये चढ़ गए हैं इसके ऊपर। और ये जो स्ट्रक्चर है, एक बार इसको अंदर से दिखा देता हूँ आपको ये कैसा है। आइए,
ये देखिए काफी मजबूती के साथ, और मेरे हिसाब से इसकी जो चौड़ाई है लगभग 10 से 15 फीट के आसपास है चौड़ाई। और अंदर आने के बाद, हालांकि इसके कभी गेट वगैरह बंद किए हुए हैं आज की तारीख में, अभी देखिए अंदर से काबुली बाग मस्जिद जो है, जो कि बाबर के समय की है, ये आपको काफी ऊंचाई पे देखने को मिल रही होगी। देखिए इतनी मतलब विशाल इसकी ऊंचाई है, और मतलब कोई लिंटर वगैरह नहीं है, बिना सीमेंट के सिर्फ ईंटों के द्वारा ही ईंटों को चिपका करके रोका हुआ है। और इसमें मुझे एक सुरंग भी देखने को मिल रही है, शायद आपको, आप कभी यहाँ पे अगर आए हो तो आपने भी सुरंग देखी हो या नहीं देखी हो। बाकी यहाँ पे अंधेरा है देखिए बिल्कुल, इससे आगे मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि हो सकता है कोई जानवर भी हो सकता है। और जैसे ही हम यहाँ पे आए तो यहाँ के थोड़ा मतलब हमें डर लगा कि हाँ भाई यहाँ पे कुछ अंधेरा हो सकता है। और यहाँ पे आने के बाद एक गेट है, ये वाला गेट आपको ये दिखेगा, इसके अंदर भी चलते हैं, बारे देखते हैं कैसा है। तो काबुली बाग मस्जिद में जैसे आप अंदर आएंगे तो ये देखिए यहाँ पर आप, ये काफी विशाल और बहुत ही अच्छे तरीके से स्ट्रक्चर है। हालांकि इस मस्जिद में आने का हमारा सिर्फ उद्देश्य है आपको सिर्फ जानकारी देना है, और हमारा किसी भी धर्म या जाति से मतलब जाति या धर्म को बढ़ावा देना नहीं है। लेकिन जैसे हम यहाँ पे अंदर आए तो अंदर आने के बाद हमें काफी कूल, बाहर काफी गर्मी है लेकिन यहाँ पर काफी ठंडक है। ये देखिए यहाँ पे शायद चमगादड़ वगैरह भी हैं, और कुछ यहाँ पर गंदगी भी पड़ी हुई है, इधर नहीं जा रहे हम। और ये यहाँ पर काफी मजबूत स्ट्रक्चर है अंदर से जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, काबुली बाग मस्जिद का। ये देखिए यहाँ पर काफी चौड़ी दीवारें आपको देखने को मिलेंगी, और इन पर शायद प्लास्टर तो मुझे लगता है बाद के समय में हुआ होगा। देखिए ऊपर, क्योंकि ये शायद बाद का स्ट्रक्चर है, ये न्यू है, देखने से लग रहा है कि शायद ये न्यू हो सकता है। और ये यहाँ पर कुछ एक गेट ये भी है, और शायद ऊपर जाने का रास्ता वहां से है, ये जो है रास्ता, ये ऊपर जाने का रास्ता है शायद, लेकिन ये बंद है अभी। एक बार कुंडी को खोल कर देखेंगे कुछ है क्या वहां पर। और इधर की साइड एक स्ट्रक्चर ये भी है, हालांकि इसका इतिहास जो मैंने आपको बताया है वो बाबर की जो पत्नी थी काबुली बेगम, उनके नाम पर ये मस्जिद बनाई गई है जिसका नाम काबुली मस्जिद है। अब पानीपत में इस जगह को कई नामों से जाना जाता है, जैसे रानी का महल, उसके अलावा जैसे आपका काबुली मस्जिद, कुछ लोग इसको बाबरी मस्जिद भी बोलते हैं। तो ये 3-4 नामों से यहाँ पे फेमस है। अभी हम उसी स्ट्रक्चर के पास दोबारा से फिर आ गए हैं, और यहाँ पर एक स्ट्रक्चर देखिए ये भी मिलेगा देखने को, काफी पुराना लग रहा है देखने में। और यहाँ पर कुछ कुरान शरीफ की या कुछ उर्दू में कुछ लिखा हुआ है, बाकी मेरे से उर्दू नहीं आती है, अगर आपको समझ में आ रही होगी उर्दू तो एक बार कमेंट करके बताइएगा ये उर्दू में यहाँ पे क्या क्या लिखा हुआ है, मुझे एक बार जरूर बताइएगा। और ये यहाँ पर एक और यहाँ पे जो वो सुरंग टाइप हमें पीछे दिखा था, शायद यहाँ पर भी कुछ है। अच्छा यहाँ पे दीवार है, हो सकता है वहां पे भी दीवार हो। और यहाँ पे एक रोशनदान, पहले समय में मतलब रोशनदान या खिड़की इस तरह के हुआ करते थे। देखिए ये काफी पुराना है, और ये काफी पुराना देखने में लग रहा है कि ये काफी पुराना रोशनदान हो सकता है। चलिए अब आपको आगे दिखाता हूँ। अभी मैं आपको एक चीज बता दूं, यहाँ पे उर्दू में और अरबी में कुछ लिखा हुआ है जो कि यहाँ के स्थानीय जो लोग हैं, जो बच्चे हैं बड़े हैं, वो नहीं बता पा रहे हैं, लेकिन मैं आपको नजदीक से दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए कुछ लिखा हुआ है, अगर आपके समझ में आ रहा है तो एक बार मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये देखिए यहाँ पर ये कुछ लिखा हुआ है, इसके ऊपर भी 2-4 लाइनें ऊपर भी लिखी हुई है, तो दोस्तों एक बार जरूर बताइएगा। अभी हमारे साथ ये सभी लोग हैं, यहाँ पर देखिए यहाँ पर कितने सारे बच्चे हमारे साथ हैं, और ये सभी पानीपत से ही हैं। बच्चों आपका क्या नाम है? नितिन शाहबाज। और तो ये सभी बच्चे यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं शाम को। मैं भी हूँ। हालांकि मुझे जो देखने में लगा है कि ये जगह वीरान पड़ी रहती है, कोई यहाँ पे नहीं आता है। और एक काफी पुराना गेट यहाँ पे देखने को मिला है, देखिए मुझे देखने में लग रहा है कि काफी पुराना हो सकता है, हो सकता है यहाँ का हो, इस गेट का, इस जगह का भी हो सकता है, लेकिन देखने में काफी पुराना लग रहा है, अभी जर्जर अवस्था में है। तो काबुली मस्जिद के बिल्कुल मेन गेट से, जो ये मेन गेट है दिखाइए एक बार, ये जो काबुली मस्जिद का जो मेन गेट है इससे बिल्कुल सामने ही आपको यहाँ पर पानी संजोड़ने के लिए या पानी को इकट्ठा करने के लिए ये वाली जगह थी, और यहाँ पे काफी पानी स्टोर हो सकता है। अभी भी हाथ पैर धोने का वजू था, लोग बता रहे हैं कि यहाँ पे हाथ पैर धोने के लिए वजू था। अच्छा पुराने समय में क्या होता था कि पानी का जो स्रोत होता था ना वो बारिश से ही बनता था, मतलब जो बारिश होती थी तो बारिश के पानी को इकट्ठा कर लिया जाता था और फिर उसको ही पानी के स्रोत के रूप में इस्तेमाल किया जाता था, जिससे
भविष्य में, क्योंकि उस वक्त समरसिबल टंकी और टैंक प्लास्टिक टैंक ये नहीं होते थे, तो इसलिए उस समय का इसी तरीके का स्ट्रक्चर है जो अभी आपको यहाँ देखने को मिल रहा है, इसी तरीके का होता था। अभी हम आपको बताते हैं कि एक बार साइड में भी देख लेते हैं यहाँ पे और क्या है। अरे उनकी खबर ये तो दिखा दो। एक मिनट, साथ में ये वाली भी जगह है, आधी का टीवी दीवारें दिख रहा है आपको स्ट्रक्चर। ये वाली जो दीवारें हैं ये कुछ हाफ कटिंग है, ये भी दीवार कुछ आधी कटी हुई है। अब ये समझ में नहीं आ रहा, या तो ये जर्जर होने की वजह से ये गिर गया होगा, टूटने की वजह से शायद ये इस तरह हुआ है। यहाँ पे भी देखिए इस तरह है एक स्ट्रक्चर है यहाँ पर, शायद ये पूरा होगा, ये उस वक्त का सिर्फ ऐसा ही होगा जैसे कि पहले वक्त में होता था। और ये ऊपर की साइड में गुंबद है, और यहाँ पर ये वो गुंबद है जिस पे मैं आपको अभी लेकर गया था अंदर, ये वाली जो गुंबद है ये वो है। और ये स्ट्रक्चर भी पहले ऐसा ही हुआ होगा जैसा कि हमने आपको दूसरे वाला स्ट्रक्चर दिखाया था। अभी देखने में फीलिंग ऐसी आ रही है जैसे कि हम फिलहाल कहीं घूम रहे हों, और हमें लग रहा है कि शायद हम कुतुब मीनार के अंदर हैं, क्योंकि कुतुब मीनार पे भी सेम ऐसा एक स्ट्रक्चर देखने को आपको मिलता है। अगर आप कुतुब मीनार तो आप गए होंगे भाई, मैं भी गया हूँ, आप भी गए होंगे, तो कुतुब मीनार के आसपास का जो स्ट्रक्चर है, कुतुब मीनार के पास में भी बिल्कुल जस्ट ऐसे ही मिलता है देखने के लिए। और कुछ बच्चे ऊपर भी चढ़े हुए हैं, ये देखिए, ये है कुछ इस तरह का यहाँ पे जर्जर, ये यहाँ पे कुछ जर्जर व्यवस्था में है। अच्छा एक बात बताइए, आप लोग तो यहीं के हैं, आप तो यहीं के हैं भाई, इसी जगह के हो, कहाँ से हो बेटा आप यहाँ के हो? ये क्या स्ट्रक्चर है जो यहाँ पे देखने को मिला है? पता नहीं, मस्जिद आ रही है। नहीं ये स्ट्रक्चर, वो तो मैं मान लिया, ये भी मस्जिद ही थी, मतलब उसका दूसरा पार्ट है, उसका दूसरा भाग है क्या? ये मस्जिद थी, ये अब ये इन्होंने बच्चों ने कर दिया इसमें टूट फूट, पर ये मस्जिद थी। अच्छा अच्छा, ऊपर से गिर गया, मतलब प्राकृतिक आपदा के कारण गिर गई है, सीधी बात तो है, ठीक है ओके। तो ये सभी बच्चे यहाँ पर, आप रोज आते हैं यहाँ पे खेलने के लिए? ओनली संडे। ओनली संडे को, और बाकी दिन? बाकी दिन पढ़ाई। पढ़ाई ठीक है, स्टडी होती है। तो दोस्तों ये सभी बच्चे बता रहे हैं कि ये यहाँ पर सिर्फ संडे के दिन ही आते हैं, और मेरे हिसाब से काफ़ी पुरानी जगह है, जो मैंने आपका आपको गूगल से इसका इतिहास बताया है, आप खुद से भी देख सकते हैं इसका इतिहास, खुद से भी देख सकते हैं। भाई आपको जानकारी है इसके बारे में कुछ थोड़ी बहुत? आपको इस बारे में? आपको भी नहीं है कोई जानकारी? नहीं है आपको? बैट बॉल की जानकारी दे सकते बस, भैया कह रहे हैं बैट बॉल की जानकारी दे सकते हैं। तो देखिए काफ़ी ऊंचा स्ट्रक्चर है ये देखिए दोस्तों, एक इसका गेट भी है, जो मेन गेट है वो इधर से है, मैं आपको अभी दिखा देता हूँ अभी, ये देखिए इधर से बाहर से स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का दिखेगा आपको। यह काफ़ी पुराना ऐतिहासिक स्थल है, और काफ़ी पुरानी जगह है पानीपत के अंदर। पानीपत में युद्ध हुआ था, लड़ाइयाँ हुई थी, तो लड़ाई और युद्ध के बाद ये एक जगह बची है। यहाँ पर भी कुछ उर्दू में लिखा हुआ है देखिए, ये देखिए। और ये यहाँ का मेन एंट्रेंस गेट है, हालांकि गेट अभी बंद है, और ये गेट बंद होने की वजह से अभी लोग यहाँ पर एंट्री नहीं कर पाते हैं। और ये देखिए यहाँ पर काफ़ी ऊँचा इस गेट पर भी आपको ये देखने को मिलेगा इस तरह का स्ट्रक्चर। यहाँ पर पुराने समय की कुछ यादें आपको देखने को मिलेगी, आप महसूस कर सकेंगे कि हाँ पहले समय में किस तरह का चूना से बना हुआ स्ट्रक्चर होता। देखिए ये देखिए, ये काफ़ी पुरानी स्ट्रक्चर है, ये बताती है कि हाँ काफ़ी छोटी ईंटें होती थी पहले, ऐसी इस टाइप की छोटी छोटी ईंटें से होकर बनाया। ये देखिए काफ़ी छोटे छोटे आले भी हैं, इनको पहले समय में आले दिवाले बोलते थे, ये वो है। और इधर जी जंगल, अच्छा अच्छा वो तो पता है बेटा मुझे, तो यहाँ से बाहर का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से है, और मेन गुंबद ये यहाँ से इस तरीके से है, ये है जाने का रास्ता इधर से, लेकिन अभी हम ऊपर नहीं जाएंगे ठीक है, क्योंकि हमारे पास समय कम है। तो ये है बाहर से, ये यहाँ का फील्ड है, और ये यहाँ पर कुछ ये देखने को मिलेगा, हो सकता है वो कुआं, काफ़ी पुराना लग रहा है मुझे देखने में, ये यहाँ पर काफ़ी पुराना है। ये क्या बेटा, क्या बेटा है? ये राजा रानी की कब्र है। राजा रानी कौन से थे जी? वो पहले के थे। अच्छा तो बच्चे बता रहे हैं कि राजा रानी की कब्र है। ये जो कुआं है, मुझे कुआं देखने में जैसी चीज लग रही है, जैसे यहाँ पे कुआं था, ये बंद कर दिया, अभी यहाँ बच्चे गिर गए थे इसमें। अच्छा इसकी मतलब क्या हो गया था? यहाँ बच्चे थे जी, खेल रहे थे, तो एक बच्चा गिर गया था, तो उसकी वजह से इसे बंद कर दिया है। तो ये एक पुराना कुआं है, हो सकता है ये उसी समय का हो जब बाबर के समय का था, जब युद्ध हुए थे पानीपत के अंदर, हो सकता है तभी का हो। तो खैर दोस्तों, ये काबुली मस्जिद और रानी का महल
और बाबरी मस्जिद पानीपत की वीडियो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हाँ, एक बार कमेंट करके ये भी बताइएगा कि क्या आप लोग यहाँ पे कभी पहले आए हैं या इस जगह की वीडियो आपने कभी पहले देखी है। अगर देखी है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।